हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ सी एम मनोज गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग ऑल अबाउट टैक्सेस। जैसा कि कल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को लेकर नोटिफिकेशन इशू की गई थी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 30 सितंबर 2018 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही जीएसटी में टीडीएस और टीसीएस प्रोविजंस को लेकर एक प्रेस रिलीज इशू की गई है, और इस प्रेस रिलीज के जरिए यह बताया गया है कि टीसीएस और टीडीएस प्रोविजंस जीएसटी लॉ में 30 सितंबर 2018 तक डेफर्ड कर दिए गए हैं। इसका मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एज वेल एज टीसीएस एंड टीडीएस प्रोविजंस 30 सितंबर 2018 तक डेफर्ड कर दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं टीडीएस प्रोविजंस की, जो कि जीएसटी लॉ में है, अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ, अगर कोई सप्लायर किसी स्पेसिफाइड रेसिपियंट को कोई गुड्स की सप्लाई करता है और वह गुड्स की वैल्यू 2,50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो इन दैट केस स्पेसिफाइड बायर, स्पेसिफाइड रेसिपियंट जब सप्लायर को टैक्स की पेमेंट करता है, तो वह 2% टीडीएस डिडक्ट करके सप्लायर को पेमेंट करेगा, और जो 2% टीडीएस डिडक्ट किया है रेसिपियंट द्वारा, वह गवर्नमेंट को जमा कराएगा। एग्जाम्पल के लिए, सप्लायर द्वारा स्पेसिफाइड रेसिपियंट को कुछ गुड्स की सप्लाई की जाती है जिनकी टैक्सेबल वैल्यू 3 लाख रुपये है, और उस पर जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% पेबल है, जो कि 54,000 रुपीज़ है, तो टोटल इन्वॉइस वैल्यू 3,54,000 है। अब जब स्पेसिफाइड रेसिपियंट 3,54,000 रुपये की पेमेंट सप्लायर को करेगा, उस समय वह 3 लाख रुपये में से 2% टीडीएस डिडक्ट करेगा अंडर जीएसटी लॉ, और जो बैलेंस पेमेंट है 3,48,000 रुपये वह सप्लायर को पेमेंट करेगा, और जो 6,000 रुपये टीडीएस डिडक्ट किया है वह गवर्नमेंट को जमा कराएगा। इस 6,000 रुपये का क्रेडिट सप्लायर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग जीएसटी रिटर्न्स ले सकता है। रेसिपिएंट द्वारा जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा वह टैक्सेबल वैल्यू पर डिडक्ट किया जाएगा, लेकिन यह टीडीएस प्रोविजंस अभी डेफर्ड कर दिए गए हैं 30 सितंबर 2018 तक। इसी तरह टीसीएस को लेकर जो प्रोविजंस जीएसटी लॉ में दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए अपनी गुड्स की सप्लाई करता है किसी बायर को, इन दैट केस ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर बायर से उन गुड्स की अमाउंट रिसीव करता है, तो वह सप्लायर को पेमेंट करते हुए 2% टीसीएस डिडक्ट करने के बाद सप्लायर को पेमेंट करेगा, और जो टीसीएस 2% डिडक्ट किया है वो जो टीसीएस अमाउंट है वह गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा, और जो सप्लायर है वह उस टीसीएस का एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स क्रेडिट ले लेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सप्लायर किसी बायर को कुछ गुड्स की सप्लाई करता है जिसकी टैक्सेबल वैल्यू 9,524 रुपीज़ है, जिस पर जीएसटी एट द रेट ऑफ 5% 476 रुपीज़ है, इनवॉइस वैल्यू टोटल 10,000 रुपीज़ होती है, जो कि बायर ई कॉमर्स ऑपरेटर को पेमेंट कर देता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर जब सप्लायर को पेमेंट करेगा, तो वह अपना कमीशन डिडक्ट करेगा, साथ ही TCS एट द रेट ऑफ 2% कलेक्ट करेगा 200 रुपीज़, और जो बैलेंस अमाउंट है 9,300 वह सप्लायर को पे कर देगा, और जो यह TCS कलेक्ट किया है ई कॉमर्स ऑपरेटर ने 200 रुपीज़ वह गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगा। तो फ्रेंड्स, ये TCS प्रोविजंस भी अभी के लिए 30 सितंबर 2018 तक डेफर कर दिए गए हैं। प्रेस रिलीज इशू की गई है 29th of June 2018। एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स टिल 30th September 2018। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 51 एंड 52 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्शन एट सोर्स TDS एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स TCS रिस्पेक्टिवली शैल रिमेन सस्पेंडेड टिल 30th September 2018। तो 30 सितंबर 2018 तक के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एज वेल एज TDS एंड TCS प्रोविजंस डेफर्ड कर दिए गए हैं। इनके रिगार्डिंग अगर और कोई अपडेट आता है तो वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।